लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ सिक्सटीन बैग्स ऑफ शुगर ईच वेटिंग फोर्टी एट पॉइंट फोर फिफ्टी के जी वो कह रहा है हमें सिक्सटीन बैग्स ऑफ शुगर के का वेट निकालना है अगर उसमें से एक बैग का वेट फोर्टी एट पॉइंट फोर फिफ्टी के जी है तो, तो कैसे करेंगे वन बैग ऑफ शुगर वेट्स कितना के जी दैट इज फोर्टी एट पॉइंट फोर फिफ्टी के जी है उसमें राइट right? एक बैग में तो सिक्सटीन बैग्स का निकाल लेंगे सिक्सटीन बैग्स ऑफ शुगर वेट कितना के जी देखिए एक की वैल्यू दे रखी है ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया सिक्सटीन इंटू फोर्टी आ जाएगा अब या तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कैसे 16 इंटू फोर एट पॉइंट फोर फाइव जीरो को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए पॉइंट हटाया नीचे जितनी वैल्यूज से पहले पॉइंट था उतने जीरो लग जाएंगे वन के आगे राइट right? तो तीन जीरो लग गए अब कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे सेम नंबर से तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ अब फाइव टू ज टेन एंड ज़ीरो अब फाइव नाइन ज़र फोर्टी फाइव थर्टी फोर फाइव सिक्स ज़र थर्टी एंड फाइव नाइन ज़र फोर्टी फाइव एंड ये आया टू एट जिक्सटीन टू टेन ज ट्वेंटी तो ये कितना आ गया हमारा अब हम 8 इंटू नाइन सिक्सटी नाइन अपॉन टेन के जी आ गया तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एट 9 सेवेंटी टू सेवन कैरी एट 6 फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव फाइव कैरी एट नाइनजा सेवेंटी टू प्लस फाइव है सेवेंटी सेवन अपॉन टेन के जी क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो हमारा आंसर आ गया सेवन सेवन फाइव पॉइंट टू के द आंसर तो इसका मतलब सोलह शुगर बैग्स में कितना के जी वेट होगा दैट इज सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव पॉइंट टू के द आंसर ले जो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ स्मॉल बॉटल होल्ड ज़ीरो पॉइंट एट फोर फाइव के ऑफ सॉस एक छोटी बॉटल इतना के ऑफ सॉस होल्ड कर सकती है हाउ मच सॉस विल बी देयर इन सेवेंटी टू सच बॉटल्स अगर ऐसी ऐसी सेवेंटी टू बॉटल्स ले ली जाएं तो कितना सॉस होल्ड कर सकती है ये बताना है तो वन स्मॉल सॉस बॉटल स्मॉल सॉस बॉटल कैन होल्ड कैन होल्ड कितना वेट दैट इज जीरो पॉइंट एट फोर फाइव के जी राइट तो ऐसी ऐसी सेवेंटी टू सच बॉटल्स कह रहा है तो सेवेंटी टू स्मॉल सॉस बॉटल कंटेन या कैन होल्ड कैन होल्ड कितना सॉस होल्ड कर सकते हैं तो देखिए एक की वैल्यू दे रखी है ज़्यादा की निकालनी तो क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे तो हम 72 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.845 में उतना के हमारा आ जाएगा आंसर तो कैसे करेंगे देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए या सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए सॉल्व करके बता रही हूँ 72 टू इंटू ज़ीरो है तो देखिए पॉइंट हटाया नीचे जितनी डिजिट से पहले पॉइंट था उतनी वन के आगे ज़ीरोज़ लग जाएंगी अब देखिए अब ये एट फोर्टी फाइव बन गया तो इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे के जी के जी में आएगा आंसर इन टू अब इसको ज़ीरो एट फोर फाइव नहीं पढ़ेंगे इसको मरेंगे एट फोर्टी फाइव अपॉन वन थाउजेंड के जी अब जो कटता है काट दीजिए तो देखिए फ़ाइव वन ज़रा फ़ाइव थर्टी फोर फाइव सिक्स ज़रा थर्टी एंड फोटी फाइव फ़ाइव नाइन ज़ा फोटी फाइव फ़ाइव टू ज़ा टेन एंड दो ज़ीरो अब टू वन ज़र टू दो ज़ीरो एज इट इज़ टू थ्री ज़ा सिक्स एंड टू सिक्स ज़ा टूवल्व अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे की नीचे तो ये कितना आ गया हमारा ये आ गया हमारा थर्टी सिक्स इंटू वन सिक्सटी नाइन अपॉन हंड्रेड के जी में आएगा तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में कितना आएगा वन सिक्सटी नाइन को थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स नाइन ज़र फिफ़्टी फोर सिक्स सिक्स ज़र थर्टी सिक्स प्लस फाइव इज़ फोर्टी वन सिक्स वन जो सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये कितना आया थ्री नाइन ज़र ट्वेंटी सेवन टू कैरी थ्री सिक्स ज़र एटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री वन थ्री एंड फोर फाइव तो ये आ गया फोर एट ज़ीरो एंड सिक्स तो यहाँ पे लिख देंगे सिक्स ज़ीरो एट फोर अपॉन वन हंड्रेड के जी तो क्योंकि नीचे दो जीरोज हैं तो दो डिजिट पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो इसका मतलब सिक्सटी पॉइंट एट फोर के जी सॉस होल्ड कर पाएंगी कितनी बॉटल्स सेवेंटी टू बॉटल्स आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉटल होल्ड्स नाइन ट्वेंटी फाइव ग्राम्स ऑफ जैम एक बॉटल नाइन ट्वेंटी फाइव ग्राम्स ऑफ जैम होल्ड कर पाती है हाउ मैनी के जी ऑफ जैम विल बी देयर इन ट्वेंटी फाइव सच बॉटल्स और अगर ऐसी ऐसी ट्वेंटी फाइव बॉटल्स हैं तो कितना के जी ऑफ जैम होल्ड कर पाएगी ये देखना है अब वो कह रहे हैं एक जैम बॉटल में नाइन ट्वेंटी फाइव ग्राम्स ऑफ जैम है तो वन जैम बॉटल कंटेन्स जैम बॉटल कंटेंस या कैन होल्ड नाइन ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ जैम राइट अब ऐसी ऐसी ट्वेंटी फाइव बॉटल्स का निकालने है तो ट्वेंटी फाइव जैम बॉटल कंटेन्स बॉटल्स कंटेन्स एक की वैल्यू दे रखी है ज्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्वेंटी फाइव की मल्टीप्लाई कर देंगे हम नाइन ट्वेंटी फ़ाइव से उतना ग्राम ऑफ जैम आ जाएगा राइट right? तो ये कितना आ गया यहाँ साइड में कर रही हूँ नाइन ट्वेंटी फ़ाइव की मल्टीप्लाई की ट्वेंटी फ़ाइव से फाइव फाइव जो ट्वेंटी फ़ाइव टू कैरी फ़ाइव टू जो टेन इलेवन 12 45 फाइव फोर्टी सिक्स टू फाइव टेन कैरी वन टू टू जो फोर एंड फाइव टू नाइन जो एटीन फाइव टू एलेवन कैरी वन थर्टीन कैरी वन एंड टू तो ये आ गया हमारा टू थ्री वन टू फाइव ग्राम्स में राइट लेकिन अब वो किस में कह रहा था हमें के जी में ढूँढने के लिए कह रहा था ठीक है? अब हमें वो हमें के जी में ढूँढने के लिए कह रहा था अब हमें पता है वन के जी में कितने ग्राम्स होते हैं वन थाउजेंड ग्राम्स होते हैं राइट अब वन ग्राम में कितना होगा देखिए वन थाउजेंड में यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो वन बचेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो वन ग्राम में वन ग्राम में वन था वन अपॉन वन थाउजेंड के होते हैं तो इसी तरीके से हम टू थ्री वन टू फाइव ग्राम्स का निकाल लेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे एक ग्राम का पता चल गया ज़्यादा ग्राम्स का निकालना है तो क्या करते थे मल्टीप्लाई तो वन अपॉन वन थाउजेंड इंटू टू थ्री वन टू फाइव के जी में आ जाएगा तो अब देखिए इसका मतलब हम क्या करेंगे ग्राम्स को के जी में चेंज करने के लिए वन थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो अब यहाँ पे वही करने जा रही हूँ मैं तो देखिए टू थ्री वन टू फाइव को हमने वन थाउजेंड से डिवाइड कर दिया के जी में बनाने के लिए इसलिए अब यहाँ के जी लिख रही हूँ अब क्योंकि यहाँ पे नीचे तीन जीरोज़ थी तो तीन डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ गया ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन टू फाइव के जी इसका मतलब ट्वेंटी फाइव जैम बॉटल्स ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन टू फाइव के जी ऑफ जैम होल्ड कर सकती हैं आंसर